गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल फैंटेसी बस पे। हम यहाँ बात करेंगे जो आज का TNPL का पहला मुकाबला खेला जाएगा SS वर्सेस BT के बीच में। तो इस वीडियो में आपको हर एक प्लेयर के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस, कौन सा खिलाड़ी किस सिचुएशन में आपके लिए इस मैच को देखते हुए, पिच को देखते हुए अच्छा पिक रहेगा नहीं रहेगा, लॉजिकल प्रिडिक्शन के साथ आपको सारी चीज़ें डीपली डिस्कस करके बताई जाएंगी, जिससे आप खुद से अपनी टीम बना पाएंगे। बस पूरा वीडियो देखो विदाउट स्किप किए। इस वीडियो के बाद कोई फर्दर अपडेट आएगी आफ्टर टॉस के बाद, कोई ऐसी न्यूज़ जो आपकी फैंटेसी टीम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा, तो वो सारी चीज़ें हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म करके बताते हैं बिल्कुल फ्री में। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पॉर्टेंट काम है टेलीग्राम से जाके जुड़ जाओ, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। सारी इंपॉर्टेंट अपडेट आफ्टर टॉस के बाद की वहाँ पर कन्वे कर दी जाती है, जिससे आप अपनी फाइनल टीम में चेंजेस कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, तो ध्यान रहे। अब ये जो मैच है वो खेला जाएगा डिंडीगुल के ग्राउंड पे। अभी तक कोयम्बतूर के ग्राउंड पे मैचेज हो रहे थे, अब डिंडीगुल के ग्राउंड पे मैचेज होंगे और ये डे गेम है। देखो यहाँ पर 57 मुकाबले खेले जा चुके हैं डोमेस्टिकली, 159 का फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है। स्कोरिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे तो जो 150 सबसे ज़्यादा बार, 150 से बिलो 23 बार, उसके बाद 170 से लेके 189 के बीच में 14 बार, और आप ये देखेंगे ना तो 25 बार 150 से लेके 189 के बीच में रहा है सबसे ज़्यादा बार, और 9 बार 190 के पार भी स्कोर गया है। ओवरऑल हर तरीके का स्कोर देखने मिल रहा है, ओवरऑल बैलेंस विकेट। यहाँ पे देखो प्रीवियस सीजन में 6 मुकाबले खेले गए थे, 175 फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर, 158 सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर, स्पिन ने 27, पेसर्स ने 38 विकेट निकाले थे। बैलेंस कंडीशन आपको दिख रहा होगा, स्पिन यहाँ पे होता है, ऐसा नहीं है कि स्पिन नहीं होता है। डे गेम वैसे भी विकेट थोड़ा भी ड्राई होगा तो आपको फर्स्ट गेम से ही टर्न देखने मिलेगा। जो स्पिन को अच्छा खेल लेता है वो प्लेयर अगर टिक जाए ना तो यहाँ पर रन्स भी बन सकते हैं, स्कोरिंग पैटर्न में आपको देख के समझ आ रहा होगा। पिच रिपोर्ट जनरली TNPL में आती नहीं है, ठीक है, अगर आती है तो मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज जैसा मैंने अभी आपको बताया ना वो देखते चलना। स्पिनर को मत हल्के में लेना, स्पेशली जो विकेट टेकिंग स्पिनर्स हैं, आगे बात करेंगे हम उनके बारे में। ये जो 6 मैच पिछले सीजन खेले गए थे वो है, आप देख सकते हो हर एक मैच में कितना स्कोर बना था और कितने विकेट स्पिन को और कितने विकेट पेस को मिले थे। हेड टू हेड की बात करें, 6 मुकाबले खेले गए, SS ने 2 बार, BT ने 4 बार जीते हुए, ठीक है। दोनों टीम का बैटिंग बॉलिंग स्टाइल देख लो, हर एक प्लेयर का आपको बैटिंग बॉलिंग स्टाइल देखने मिल जाएगा, कौन सा प्लेयर राइट हैंडर है, कौन सा प्लेयर लेफ्ट हैंडर है, सारी चीज़ें, ठीक है। इस वाली टीम में ना 3 लेफ्ट हैंडर है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऑफ स्पिनर डी फरारियो अकेले हैं, यहाँ पर मैक्सिमम राइट हैंडर्स हैं, वहाँ पर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की कमी नहीं है। गणेश मूर्ति, मान बाफना, SR अरविंद, इवन मौकित हरिहरन ऑफ स्पिन भी डालते हैं, लेग स्पिन भी डालते हैं, तो ये चीज़ है उनके पास एडवांटेज है। अब SS की प्लेइंग 11 और लास्ट मैच के स्कोर की बात करें, पहले इनके इंपॉर्टेंट प्लेयर देखो, सात्विक, कौशिक गांधी, मान बाफना, सनी संधू, ए तनवर, ये इनके इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं जो अच्छा स्टैट्स रखते हैं और टीम में अहम भूमिका निभाते हैं। बट लास्ट मैच में सुमराह को ओपन कराया गया, 3 ओवर की गेंदबाजी भी की थी इन्होंने, 24 रन भी बनाए थे। सनी संधू ने 2 विकेट, अदनान खान को काफ़ी नीचे भेजा गया जबकि इनको भेजा जाना चाहिए फिनिशर खेलने के लिए, थोड़ा ओवर पर इनके हिटर रहिए। उसके बाद तनवर की बात करें, 1 विकेट लिया, सचिन राठी 0, गणेश मूर्ति 0, ये प्लेयर्स के लास्ट मैच के स्कोर हैं। इनकी टीम से कौन कहाँ पे बॉलिंग करता है, कितने ओवर की बॉलिंग करता है वो देख लो, यहाँ पे आप देखते हो चलना, ठीक है। ए तनवर, गणेश मूर्ति, सनी संधू पावर प्ले में, डेथ में ए तनवर, सुमराह और सनी संधू, ज़्यादा चांसेस वैसे ए तनवर और सनी संधू के हैं, बट सुमराह कैन ऑल्सो बॉल इन डेथ इफ ये दोनों में से कोई एक्सपेंसिव साबित होता है, तो वैसे एक ओवर लेके आ सकते हैं जनरली। इनकी टीम से जो अच्छे खासे ओवर्स की बॉलिंग करता है, ए तनवर, सनी संधू, गणेश मूर्ति, ये 3 इनके मेन गेंदबाज है, जिसमें से 2 इनके तेज गेंदबाज, ये इनके मेन स्पिनर, ठीक है। अब चूंकि ये डे गेम है, हाँ सचिन राजनर राइट आर्म मीडियम है, बट लास्ट मैच में ये स्पिन डाल रहे थे, मैंने लाइव देखा था, तो मे भी दोनों तरीके से गेंदबाजी करते होंगे। मौकित हरिहरन ये शेयर करते हैं, ये शेयर करेंगे, अगर महंगे साबित नहीं हुए तो सचिन राठी तो थोड़ा हायर लेवल पे क्रिकेट खेले हुए तो हो सकता है ये ठीक ठाक ओवर डालते दिखे। उसके बाद ए सुमराह, मतलब कुल मिला के इन तीनों में से अगर जो ठीक ठाक बॉलिंग डालेगा अच्छा खासा ओवर डाल सकता है, ये तीनों बहुत कम चांसेस शेयर करेंगे अनटिल एंड अनलेस कि बहुत महंगे साबित ना हो जाए, ठीक है। अब इनके जो प्लेयर वाइज स्टैट्स है देख लो, अब ए सात्विक यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कौशिक गांधी इंपॉर्टेंट है, 25 का एवरेज है, बाकी सबका थोड़ा डिसेंट सा रिकॉर्ड है। मोहम्मद अदनान खान लास्ट सीजन 3 मैच में 23 रन बनाए थे, लेकिन ये हिटिंग के लिए जाने जाते हैं जनरली। उसके बाद मान बाफना लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं डाली, बट जैसे मैंने आपको बोला अगर इनकी टीम में कोई बहुत महंगा साबित हो रहा है, वर्स्ट कंडीशन हो गया, ये आपको बॉलिंग डालते हुए देख सकते हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, डे गेम है,
ये बॉलिंग डालते हुए दिख सकते हैं। सनी संधू लास्ट सीजन 8 मैच में 8 विकेट लिए थे। अभिषेक तनवर लास्ट सीजन का रिकॉर्ड काफ़ी बेहतर है। गणेश मूर्ति लास्ट सीजन का रिकॉर्ड डिसेंट है थोड़ा, आप देखते चल सकते हो। एस उमरा क्लब T20 में 5 मैच में 6 विकेट है, बाकी ये रिसेंट फॉर्म है, ठीक है। इसके अलावा विजन 11 पे साइन अप नहीं किया तो फटाफट कर लो, 20,000 का गिव अवे इस वाले मैच में, 20,000 का गिव अवे अगले वाले T20 TNPL में, यानी कि 40,000 का गिव अवे आपको देखने मिलेगा। डेली फ्री गिव अवेज देखने मिलते हैं, तो फटाफट जाओ साइन अप करो, फ्री गिव अवे में पार्टिसिपेट करो, पैसे कमाओ, कमाए हुए पैसे को इंस्टेंट विड्रॉल करो। यहाँ पे आपको लीडर बोर्ड के गिव अवे देखने मिलते हैं, जहाँ पे आप अच्छा खासा प्राइजेस विन कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, सिंपली आपको विजन 11 पे प्ले करना। यहाँ पे आपको इंस्टेंट विड्रॉल की फैसिलिटीज़ है, लोएस्ट एंट्री फीस है, बैटिंग फैंटेसी, बॉलिंग फैंटेसी, रिवर्स फैंटेसी खेल सकते हो, अलग अलग टाइप की फैंटेसीज है। एंट्री फीस का कंपैरिजन देखो, काफ़ी आप देखोगे कि बहुत लेस कमीशन है। ये विजन 11 की एंट्री फीस, ये अदर प्लेटफॉर्म की एंट्री फीस है, और सेविंग देखो कितना आप कर पाओगे। इतना एक्स्ट्रा पैसा आप दे रहे हो, आप ड्रीम पे खेल रहे हो, एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? यहाँ पे खेलो, पैसे बचेंगे आपके, सेम चीज़ है ना। इसमें तो क्वालिटी आपको देखनी नहीं है, क्वालिटी इन द सेंस कि मतलब कोई फल वल तो है नहीं है, आपको बस अपने पैसे इन्वेस्ट करके और खेलने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए यहाँ पे बेस्ट है, कोई ग्लिच नहीं है, सिंपली ऐप बहुत स्मूथ चलती है, डिपॉजिट ऑफर भी है, ठीक है। इसके अलावा बीटी की टीम की बात करें, प्लेइंग 11 12 प्लेयर्स आपको इसलिए दिख रहे होंगे, यहाँ पे इंपैक्ट प्लेयर का रूल है, ठीक है। इनके जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है, गंगा सीधर राजू, एंथनी दास, आर राजकुमार, अलेक्जेंडर सीलम बर्सन एंड टी नटराजन, ठीक है। अब इनकी बैटिंग देखोगे तो डी फरारियो, के मनी भारती, ये थोड़े बहुत डिसेंट बल्लेबाज हैं। डी फरारियो इस मैच में शायद गेंदबाजी कर जाए, सामने लेफ्ट हैंडर से ऑफ स्पिनर है अकेले, शायद कर जाए, मैं श्योर नहीं हूँ, जस्ट मैं आपको मैचअप के बेस पे बता रहा हूँ। रिसेंट फॉर्म देखो, आर राजकुमार ने 39 बनाया, अलेक्जेंडर ने 1 विकेट, सीलम बर्सन ने 1 विकेट, टी नटराजन ने 1 विकेट, एंथनी दास ने 1 विकेट, 48 रन गंगा सिधर राजू ने बनाए थे। पावर प्ले के गेंदबाज, दत्त के गेंदबाज की बात करें, पावर प्ले में टी नटराजन, आर सीलम बर्सन, दत्त में भी आपको यही दोनों दिखने वाले हैं। अब इनकी टीम से ये जो तीन गेंदबाज है, दो इनकी ये मेन तेज गेंदबाज है, टी नटराजन, सीलम बर्सन, अलेक्जेंडर इनके मेन स्पिनर है, ये तीन आपको अच्छे खासे ओवर डालते दिखेंगे, ये तीन आपको शेयर करते हुए दिखेंगे, ठीक है। मिलके बांट के करेंगे 8 ओवर, ध्यान रखना, अनटिल एंड अनलेस इनमें से कोई बहुत महंगा साबित ना हो जाए, जब तक ये लोग ओवर शेयर नहीं करेंगे। प्लेयर वाइज स्टैट्स देख लो, के मनी भारती का लास्ट सीजन 22 का एवरेज था, गंगा सीधर राजू 29 का एवरेज है, बाकी हर एक प्लेयर का स्टैट्स देख लेना। डी फरारियो का लास्ट सीजन 24 का एवरेज है, थोड़ा बॉलिंग कर सकते हैं ये। उसके अलावा एम शाहजहान है, 14 का एवरेज है, लास्ट मैच इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर ये अंदर आए थे। इसके अलावा यहाँ पे देखो, एंटनी दास का रिकॉर्ड अच्छा है, रवि राजकुमार 6 का एवरेज, 6 मैच की 5 इनिंग में 1 विकेट, लास्ट मैच में 1 ही ओवर की गेंदबाजी की थी। इसके बाद यहाँ पे टी नटराजन, के ईश्वरन, रघुपति, सीलम बर्सन एंड अलेक्जेंडर, ये इनके मेन प्लेयर्स हैं। के ईश्वरन अगर खेलते तो लास्ट सीजन 6 मैच में 9 विकेट लिया था, ठीक है। अब थोड़ा हेड टू हेड देख लेते हैं, हेड टू हेड ना इनका ज़्यादा मुझे मिला नहीं है, जो परफॉर्मेंस थे बीटी ने वन किया था जो लास्ट मैच खेला गया था, एस अभिषेक ने 14 रन, यहाँ से एंटनी दास 24 रन 1 विकेट, और कोई खास परफॉर्मर था नहीं। टीम में चेंजेस हो गए ना, प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा रोटेट हो गए, तो आपको रिकॉर्ड मिलेगा नहीं हेड टू हेड का। अब ये वेन्यू स्टैट्स है, इस ग्राउंड पे जो मैचेस खेले गए तो कौन से प्लेयर का कैसा रिकॉर्ड है। देखो, कौशिक गांधी का 38 का एवरेज है, मौकित हरिहरन का 27 का एवरेज है, यहाँ पे एक श्रीनिवासन का 30 का एवरेज है, बाकी सबका थोड़ा डिसेंट सा रिकॉर्ड है, आप देख सकते हो। के मनी भारती का 24 का एवरेज है, 10 मैच में 146 रन है। इसके बाद एसएस की तरफ से बॉलिंग से बात करें तो तनवर और सनी संधू का रिकॉर्ड अच्छा है, यहाँ पे टी नटराजन, डेविडसन, अलेक्जेंडर का रिकॉर्ड अच्छा है, बट टी नटराजन ना अभी खेल नहीं, सॉरी डेविडसन अभी खेल नहीं रहे, थोड़ा प्लेयर बैटल है देख लो। सुमरा को टी नटराजन ने 12 गेंदों में 3 बार आउट किया हुआ है, कौशिक गांधी को अलेक्जेंडर ने 35 गेंदों में 2 बार, सीलम बर्सन ने 32 गेंदों में 1 बार, लेकिन सीलम बर्सन को तो अच्छे रन भी बनाए इन्होंने, डेविडसन ने इनको 25 गेंदों में 2 बार आउट किया है। उसके बाद मान बफना को अलेक्जेंडर ने 10 गेंदों में 2 बार, और तनवर को अलेक्जेंडर ने 8 गेंदों में 2 बार। अलेक्जेंडर ना विकेट टेकिंग बॉलर है, और इन्होंने इस टीम के अगेंस्ट अच्छा रिकॉर्ड भी होल्ड किया हुआ है। उसके बाद बात करेंगे बीटी के बैट्समैन की, तो गंगा सीधर राजू गणेश मूर्ति के सामने थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, 28 गेंदों में 2 बार, के मनी भारती मूर्ति के सामने 7 गेंदों में 2 बार, एंड एंथनी दास अभिषेक तनवर के सामने, आर राजकुमार अभिषेक तनवर के सामने 12 गेंदों में 3 बार। तो ये कुछ प्लेयर बैटल थे जिसके बेस पे आप अपनी टीम में जो कुछ चेंजेस करना चाहे तो कर सकते हैं। अब हम चलते हैं टीम सेलेक्शन की तरफ। कीपिंग सेक्शन से बात करें तो 2 ऑप्शन है, ए सात्विक और के मनी भारती। अब ए सात्विक को इसलिए लिया क्योंकि टॉप ऑर्डर में आ रहे हैं, लास्ट सीजन 25 की एवरेज से रन बनाए थे, डिसेंट बल्लेबाज हैं, और उसके बाद कीपिंग बैकअप। के मनी भारती अगर ये टॉप ऑर्डर में आते तो मैं एक बार इनको सजेस्ट कर भी देता, लेकिन ये है तो हिट और मिस टाइप के प्लेयर, भरोसेमंद तो नहीं है, ठीक है।
बट अभी मिडल ऑर्डर में आ रहे तो उतने अच्छे ऑप्शन नहीं रहे। अगर टॉप ऑर्डर में आए आपको पता चल रहा है तो आप इनको कंसिडर कर सकते हो। गंगा सीताराजू अपनी टीम के बेस्ट बल्लेबाज हैं, कंसिस्टेंट स्कोरिंग के लिए जाने जाते हैं, बड़े लेवल पे भी क्रिकेट खेल चुके हैं। सेम थिंग गोज फॉर कौशिक गांधी, हायर लेवल पे भी क्रिकेट खेल चुके हैं, अपनी टीम के सबसे स्टेबल बल्लेबाज हैं, लेकिन थोड़ा स्पिन के सामने फंसते हैं, तो जैसे अलेक्जेंडर ने इनको काफ़ी परेशान किया हुआ है। और डे गेम है, अगर थोड़ा भी स्पिन फैक्टर रहा ना ग्राउंड पे तो आप इनको ग्रैंड लीग में छोड़ने का रिस्क ले सकते हो। स्मॉल लीग में मैं कहूँगा यार लेके जाओ, थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। अदनान खान की बात करें, एज फिनिशर खेलते हैं, हिटर है, और एज फिनिशर जो खेलते हैं वो कभी कभार अच्छी पारी खेल जाते हैं, कभी कभार बल्लेबाजी नहीं आती है, तो स्मॉल लीग में थोड़े रिस्की रहते हैं। मौकित हरिहरन जो कि ऑफ स्पिन लेग स्पिन दोनों डालते हैं और बल्लेबाजी मान बाफना से ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, लास्ट सीजन भी गेंदबाजी डाल रहे थे, तो अभी के लिए एज एन ऑलराउंडर एबिलिटी मैंने इनको लिया हुआ है। उसके बाद अरविंद एक एवरेज ऑप्शन रहेंगे, श्रीनिवासन एक डिसेंट ऑप्शन है, ये काफ़ी अच्छे बल्लेबाज है, बट लास्ट सीजन इनका बैटिंग पोजीशन फिक्स ना होने की वजह से इनका परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब था। मुझे लगता है इस सीजन भी इनके साथ वही होने वाला है, अदरवाइज आप इनके ऊपर ग्रैंड लीग में एक आध टीम में जरूर रिस्क ले लेना। डी फरारियो के ऊपर आप ग्रैंड लीग में जरूर रिस्क लेना, रीज़न मैं आपको बताता हूँ। सामने वाली टीम में तीन लेफ्ट हैंडर्स हैं और ये ऑफ स्पिनर है, लास्ट मैच में गेंदबाजी नहीं डाली, बट अगर नीड पड़ी स्पिन फैक्टर रहा तो ये आपको गेंदबाजी डालते हुए दिख सकते हैं, और डिसेंट बल्लेबाज है, 20s में स्कोरिंग करके दे सकते हैं। तो अगर आप रिस्क लेना चाहें ग्रैंड लीग में आप इनके ऊपर जरूर ले सकते हैं। जे जमाल पावर हिटर हैं, उतने अच्छे बल्लेबाज नहीं है जो कंसिस्टेंसली रन्स बनाए, बट हाँ अगर आप ट्राई करना चाहो तो आप ग्रैंड लीग में एक ही टीम में ट्राई करना, ज़्यादा टीम में नहीं कहूँगा मैं, ठीक है। एम शाहजहां लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हैं, लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं डाली और बल्लेबाजी काफ़ी नीचे करने है, तो स्मॉल लीग में उतने अच्छे ऑप्शन नहीं रहेंगे। सनी संधू लास्ट सीजन भी इंप्रेस किया था, इस सीजन भी इंप्रेस किया है, पहले मैच में ही विकेट्स निकाले, रन्स भी बना लेते हैं। आर राजकुमार पार्ट टाइमर गेंदबाज हैं, एक दो ओवर से ज़्यादा बहुत कम देखने मिलेगा कि डाल रहे हैं, जब इनका टीम का वर्स्ट कंडीशन हो तभी डालते हैं, बैटिंग कर लेते हैं, तो अभी के लिए मेरी टीम में। उसके बाद एंथनी दास को मैंने लिया हुआ है। अब देखो ये दोनों जो ऐसे ऑलराउंडर है ना, इनका परफॉर्मेंस ऐसा रहता है कि कभी तो ये बहुत ज़्यादा पॉइंट देके जाएंगे, कभी ये बिल्कुल ही पॉइंट देके नहीं जाएंगे, दोनों ऑलराउंडर आर राजकुमार और एंथनी दास, बट चूंकि ऑलराउंडर एबिलिटी है और डे गेम है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ विकेट थोड़ी स्लो हो, लेकिन फ्रेश विकेट रहेगा, तो क्या वो स्लो रहेगा ये एक देखने वाली बात रहेगी। लेकिन देखो बात पता है क्या, पिच रिपोर्ट आता नहीं है, तो हम लोगों को ना पिच रिपोर्ट तुक्के पे बनानी पड़ती है टीम। अगर पिच से रिलेटेड मुझे कुछ न्यूज़ मिलता है, क्योंकि पिच चेंज हुई है डिंडीगुल, तो अब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, अगर कुछ भी न्यूज़ आती है तो, बट अगर नहीं आती है तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पिच रिपोर्ट बताया था उसके अकॉर्डिंग हम टीम बना सकते हो, और फिर मैं आर राजकुमार और एंथनी दास के ऊपर रिस्क लेके जा सकता हूं। मान बाफना अच्छे बल्लेबाज हैं, बट लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं मिली, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बॉलिंग शायद ज़्यादा ना डाले, एज बेटर खेले, तो इसलिए मैंने मौकित हरिहरन को ले लिया, क्योंकि मौकित हरिहरन इनसे ऊपर आ रहे हैं, बॉलिंग भी डाल रहे हैं, तो इसलिए मैंने उनको ले लिया। बट मान बाफना आपके लिए ट्रंप पिक का काम करेंगे, नीचे और कोई ऑप्शन है नहीं जो कि खेल रहा हूँ। टी नटराजन मस्ट हैव पिक, कोई भी इनिंग हो, IPL खेल चुके, इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, यहाँ पे छोड़ना मत। फर्स्ट इनिंग में आप रिस्क लेके कैप्टन भी कर सकते हो। तनवर विकेट टेकिंग बॉलर है, लास्ट सीजन अपनी टीम के हाईएस्ट विकेट टेकर थे, दत्त में आते थोड़े रन्स भी बना लेते हैं। अलेक्जेंडर मस्ट हैव पिक रहेंगे, इनकी टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करे या फिर विकेट थोड़ा स्लो है, मैं अपनी टीम में जरूर लेके जा सकता हूँ। मैचअप्स आपने देखा होगा इनका काफ़ी अच्छा है, और स्पेशली इनकी टीम अगर सेकंड इनिंग में बॉलिंग करे और पिच रिपोर्ट नहीं आए तो शायद मैं इनको अपनी टीम में रख ही लूँ, और मैं फिर आर राजकुमार को मिस कर दूंगा, ठीक है। आप एंथनी दास को भी मिस कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, क्योंकि फिर आर राजकुमार के शायद उतने ओवर ना मिले, ये एक चीज़ है, बट अपना लक खराब रहा तो क्या पता वही विकेट ले जाए। उसके बाद आर सीलम बर्सन विकेट टेकिंग बॉलर है, फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी आए तो मस्ट हैव पिक, दत्त में आते हैं। सेकेंड इनिंग में आप छोड़ने का रिस्क ले सकते हो, अगर आपको यहाँ पर नहीं लेना है आर राजकुमार और एंथनी दास को नहीं छोड़ना है, तो आप फिर यहाँ पे सीलम बर्सन की जगह आर अलेक्जेंडर को लेके जा सकते हो। सुमरा ओपन कर रहे हैं, प्लस तीन ओवर गेंदबाजी की थी, एक ओवर दत्त में भी लेके आए थे, डेट्स वाई एक मस्ट हैव पिक रहेंगे। और बात रही गणेश मूर्ति की, तो इनकी टीम अगर सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी करे आप इनके ऊपर जरूर रिस्क लेना, मैचअप भी अच्छा है और ये आपके लिए ट्रंप पिक का काम भी कर सकते हैं, ठीक है। एस राठी हायर लेवल पे भी क्रिकेट खेल चुके हैं, लास्ट मैच में स्पिन फेंक रहे थे आई थिंक, अगर मैं सही हूँ तो, क्योंकि मैंने मैच लाइव देखा था, ठीक है, बट इनको मेंशन किया गया कि ये राइट आर्म मीडियम गेंदबाज है। अब देखो क्या होता है, बाकी अब लास्ट मैच में महंगे साबित हुए थे, मैं ज़्यादा भरोसा कर नहीं रहा हूँ, बट हायर लेवल पे क्रिकेट खेले हुए थे, यहाँ पे कभी भी धमाल मचा सकते हैं, तो जो रिस्क लेना चाहें वो ले सकते हैं। मैं कहूँगा ग्रैंड लीग में रिस्क लेना, स्मॉल लीग में थोड़ा देख लो, क्योंकि बॉलिंग इनका चेंज हुआ है, मीडियम फास्ट से ये स्पिन पे आए, तो क्या परफॉर्मेंस रहेगा वो देखने वाला रहेगा, ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा सजेस्ट कर नहीं रहा हूँ। ए डेविडसन खेलते हैं तो अच्छे खासे पिक रहेंगे। तो गाइज अभी के लिए जो टीम हो रही है कुछ इस प्रकार से, देखो जिसमें कप्तानी मैंने गंगा सीधा राजू को दिया हुआ है और वाइस कप्तानी ना मैंने यहाँ पे सनी संधू को दिया हुआ है। आप इसको रिवर्स कर सकते हो, अगर अभिषेक तनवर की टीम पहले गेंदबाजी करे ना तो ये भी विकेट टेकिंग बॉलर है,
लास्ट सीजन 9 मैच में 17 विकेट लिया था, तो ये भी एक स्मॉल लीग के अच्छे कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन रहेंगे, स्पेशली इन फर्स्ट गेंदबाजी। अब ग्रैंड लीग में एस उमरा स्पेशली फर्स्ट गेंदबाजी में, क्योंकि ये भी एक ओवर डेथ में लेके आए थे प्लस ओपन कर रहे हैं। उसके बाद टी नटराजन फर्स्ट गेंदबाजी में और कौशिक गांधी, इन लोगों को आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। ट्रंप पिक के तौर पे अलेक्जेंडर और गणेश मूर्ति, जिसकी भी टीम सेकंड बॉलिंग करे या फर्स्ट गेंदबाजी में भी इनका मैचअप अच्छा था, डे गेम है, हो सकता है पहले इनिंग में भी अच्छा खासा टर्न देखने मिल जाए, तो इन दोनों को ये मेरे स्मॉल लीग के भी ट्रंप पिक्स रहेंगे। मैं इनको स्मॉल लीग में भी ट्राई कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसे मैंने आपको समझाया है। मान बाफना, अदनान खान, डी फरारियो, के मनी भारती, ये लोग भी ट्रंप पिक के अच्छे ऑप्शन है, इनको आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब ये ना जो ट्रंप पिक्स का यूज़ करते हो और ये कैप्टन वाइस कैप्टन का यूज़ करते हो, आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम से बना सकते हो। ये जो टीम है ये स्मॉल लीग की टीम है, इस टीम में कुछ भी चेंज होगा टेलीग्राम पे इन्फॉर्म करेंगे, और मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी कि टॉस रिपोर्ट मैच रिपोर्ट को देखते हुए किस तरीके से आपको चेंजेस करने, जो मैं आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर देता हूँ टॉस रिपोर्ट मैच रिपोर्ट, वो आपको पता रहेगा। तो आपने पूरी वीडियो देखी, आपको सिचुएशन पता रहेगा कौन से सिचुएशन में कौन सा खिलाड़ी अच्छा हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली फिर आप अपनी टीम में चेंजेस कर सकते हैं, अपनी खुद से टीम बना सकते हैं जो मैं चाहता हूँ। तो होप करते हैं आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। एक बार और बता दूँ, ये आर राजकुमार है, ठीक है, थोड़े छिप गए हैं बट आर राजकुमार और ये एंथनी दास है। तो होप करते हैं आपने वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा, अगर सीखा तो एक लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।